गाइज फिलहाल जो अपने इंडिया सर्वर के अंदर टॉप अप एंड चल रहा है वो बनिया टेक टॉप अप एंड है। इसके अंदर गाइज आपको 100 डायमंड टॉप करने पे एक लूट बॉक्स दिया जा रहा है और 300 डायमंड टॉप करने पे एक ग्लूअल की स्किन दी जा रही है। तो ये वाला जो टॉप अप एंड है गाइज 21 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा और 22 मार्च को जिस दिन अपना OB39 का नया पैच अपडेट आएगा उस दिन गाइज नया टॉप अप एंड भी आने वाला है। तो वो नेक्स्ट टॉप अप एंड कौन सा होगा, उसके अंदर आपको कितने डायमंड टॉप करने पे क्या आइटम मिलेगा गाइज बहुत बंदे जानना चाहते हैं। तो टेंशन मतलब इस वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट टॉप अप एंड के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ गाइज बात करेंगे ब्लैक बन्नी बंडल के बारे में। आप में से बहुत के कमेंट रहते कि यार ओल्ड वाला बंडी बंडल तो रिटर्न आ चुका है लेकिन अब ये ब्लैक वाला जो बंडी बंडल है नया वाला ये कब आएगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको ब्लैक बंडी बंडल के बारे में बताऊंगा किस टाइप के इवेंट में आएगा, कब आएगा और कितने डायमंड आपके खर्च होंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ में गाइस बहुत बंदों के कमेंट आ रहे थे कि यार भुया बंडल कब रिटर्न आने वाला है, कुछ बंदे तो यार रैम्पेज ईवो बंडल के बारे में कह रहे थे। तो भाई देखो रैम्पेज ईवो बंडल के रिगार्डिंग तो कोई लीक्स नहीं निकल के आ रही है लेकिन हाँ भुया बंडल के रिगार्डिंग यार कुछ लीक्स निकल के आ रही है जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और भी काफी सारे इवेंट आइटम्स अपडेट्स की लीक निकल के आ रही है तो उन सबके बारे में भी गाइस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, काफी सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना है और हमेशा एक तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल भी सेट लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक तगड़ी सी अपडेट देता हूँ जिसे देख के सुन के आप शॉक हो जाओगे। गाइस फ्री फायर के कुछ सर्वर के अंदर जो है ना अपने पोकर MP40 और जो नाइट क्लाउन वाले बंडल्स हैं वो रिटर्न आए हुए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। सबसे पहले पोकर MP40 जो अपना रिंग वाला इवेंट होता है ना उसके अंदर रिटर्न आए हुए हैं। एंड सेम गाइस यहाँ पे जो अपने नाइट क्लाउन वाले बंडल्स हैं वो ऑल टोटल गाइस इसी रिंग वाले इवेंट के अंदर डाल दिए गए हैं। तो गाइस ये ग्रैना वाले कर क्या रहे हैं, जो भी इंक्यूबेटर के जो रेयर इंक्यूबेटर हैं उनके आइटम्स को रिटर्न ला रहे हैं और पता है रिटर्न रिंग वाले इवेंट के अंदर डाल रहे हैं। अब देखो भाई जिन लोगों ने रिंग इवेंट में खर्चा किया उनको पता होगा कितने डायमंड यहाँ पे खर्च होते हैं, मैंने तो कोई आइटम निकाला नहीं है। तो गाइस ये फ्री फायर की एक नई स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे ये ओल्ड रेयर इंक्यूबेटर को रिटर्न डाल रहे हैं इस रिंग इवेंट के अंदर। और अगर आपका स्पिन में नहीं निकलता है आइटम तो गाइस यहाँ पे टोकन दिए हुए हैं 200 200, समझ रहे हो गाइस। तो काफ़ी सारे डायमंड्स यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। एंड सेम गाइस यहाँ पे लीक्स निकल के आ रही है कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी पोकर MP40 रिटर्न आएगी और ये नाइट क्लाउन वाले जो बंडल है ये भी रिटर्न आएंगे। अब ये इंक्यूबेटर में रिटर्न नहीं आएंगे, वैसे तो ये रियली में इंक्यूबेटर थे लेकिन इनको इंक्यूबेटर से हटा के रिटर्न लाएंगे रिंग इवेंट के अंदर, समझ रहे हो ना गाइस मेरी बात को। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि पहले पोकर MP40 रिटर्न आएगी या नाइट क्लाउन वाला इंक्यूबेटर रिटर्न आएगा, मतलब इन आइटम इंक्यूबेटर के, समझ रहे हो ना। तो ये रिंग इवेंट के अंदर ही डालेंगे। अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको पोकर MP40 पहले रिटर्न में चाहिए या नाइट क्लाउन वाले बंडल पहले रिटर्न में चाहिए। और बात की जाए इनके रिटर्न आने की कंफर्म डेट की, तो भाई देखो हमें पहले इन दोनों में से कोई एक रिटर्न देखने को मिलेगा, दोनों एक साथ रिटर्न नहीं आएंगे। फ्री फायर वाले कहाँ से ढंग से पैसे छापेंगे, ये तो भाई इनकी स्ट्रेटेजी है। एक तो इन्होंने इंक्यूबेटर को रिंग इवेंट में बदल दिया और ऊपर से एक साथ दोनों को डाल दे, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये जहाँ तक है गाइज पहले पोकर MP40 को रिटर्न में डालेंगे क्योंकि पोकर MP40 की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइज यहाँ पे मोबिलिटी की तरफ से जो लीक्स निकल के आ रही हैं उन्हें बताया जा रहा है कि या तो पोकर MP40 या नाइट क्राउन वाले जो अपने ये बंडल्स वगैरह हैं या हमें 31 मार्च से पहले पहले रिटर्न देखने को मिलेंगे रिंग इवेंट के अंदर। लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है कि पोकर MP40 वाले जो गन स्किन है वो पहले आएंगे या नाइट क्राउन वाले जो बंडल है वो पहले आएंगे। अब देखो हाई चांसेस तो यार पोकर MP40 के निकल के आ रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है यार पोकर MP40 की। बाकी यार देखो नाइट क्लाउन वाले जो बंडल्स हैं उनके रिटर्न आने के तो यार चांसेस दिवाली से बनते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आया है नाइट क्लाउन वाला बंडल, क्योंकि पोकर MP40 की डिमांड गाइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सबर करो, जल्दी हमें रिटर्न देखने को मिलने वाली है अपने इंडिया सर्वर के अंदर। तो भाई पोकर MP40 की जो भी लीक्स निकल कर रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और चले गए अब बात कर लेते हैं अपने ब्लैक बन्नी बंडल के बारे में। तो गाइस देखो अपने इंडिया सर्वर के अंदर ऑलरेडी जो ओल्ड वाला बन्नी वॉरियर बंडल है जिसे आप प्राइस स्टार वाला बन्नी बंडल बोलते हो वो रिटर्न आया हुआ है, ठीक है। और आपको पता होता है दूसरी बार रिटर्न आया गाइस बन्नी बंडल, तो इसका दूसरी बार रिटर्न आने का रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे ब्लैक बन्नी बंडल हमें देखने को मिलेगा। और ये बात गाइस फ्री फायर के जितने मॉडरेटर हैं सबकी तरफ से कंफर्म कर दी गई है। एंड बात कीजिए यहाँ पे ब्लैक बन्नी बंडल के डेट एंड इवेंट की, तो सबसे पहले गाइस इवेंट बता देता हूँ। तो यार ये हमें जो है ना फ्री फायर के कुछ अदर सर्वर के अंदर टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिला था। अब देखो यार हो सकता है फ्री फायर जो इसे अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी टोकन टावर इवेंट के अंदर डालें, वरना गाइस इसके लिए कोई स्पेशल यहाँ पे वेब इवेंट भी डिजाइन किया जा सकता है। हाई चांस तो यार यहाँ पे टोकन टावर इवेंट के हैं क्योंकि वहाँ से निकालने में गाइस कम से कम जो है ना आपको तुम्हारा 2000 से 3000 डायमंड तो भाई खर्च हो ही जाएंगे अगर आप टोकन टावर से ब्लैक बन्नी बंडल को निकालते हो। और गाइस बात की जाए इसकी कंफर्म डेट की, तो गाइस यहाँ पे दो डेट्स की लीक इसके निकल के आ रही है। पहली डेट तो गाइस बताई जा रही है जो अपना ओल्ड वाला बन्नी वॉरियर बंडल आया हुआ है रिटर्न में, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके अगले दिन यानी कि 25 या 26 मार्च को अपने इंडिया सर्वर के अंदर ब्लैक बन्नी बंडल रिटर्न आ सकता है। वरना गाइस जो यहाँ पे सेकंड डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है गाइस अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक, मतलब 7 अप्रैल से पहले पहले।
तो समझ लो गाइज, या तो ये अपने 25 या 26 मार्च को आ सकता है ब्लैक बंडी बंडल अपने इंडिया सर्वर के अंदर, या फिर गाइज ये हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और डायमंड भाई बचा के रखना, जो भी बंदा निकालने वाला है ब्लैक बंडी बंडल को, वैसे बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ओल्ड वाला बंडी बंडल अच्छा लगता है या ये ब्लैक बंडी बंडल अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और चले गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहे गाइज अपने नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल की तरफ से। फिलहाल जो गोल्ड वेल में बंडल चल रहा है वो फीमेल का है, जो कि 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जो अपना 22 मार्च को पैच अपडेट आने वाला है उसके अगले दिन 23 मार्च को अपने इंडिया सर्वर के अंदर नया गोल्ड वेल बंडल ऐड हो जाएगा। तो यार बहुत बंदे देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल कौन सा होगा, तो गाइज आप देख पा रहे हो ये अपना नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल होने वाला है और ये कंफर्म हो चुका है। जितने भी फ्री फायर के मॉडरेटर है सबने बता दिया है कि ये अपना नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल है, क्योंकि गाइज उनको लीक्स मिली है, क्लू मिला है, तभी तो वो कह रहे हैं ना। तो अभी फिर भी इसको यार पूरा कन्फर्म मत समझना, क्योंकि यार ये फ्री फायर वाले जो है ना कभी कभी वक्त जज्बा सब कुछ चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो हो सकता है इस नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल को चेंज कर दे, कोई और सा बंडल ला दे, लेकिन जो मॉडरेटर की तरफ से लीक्स निकल के आ रही हैं वो इसी बंडल की लीक्स निकल के आ रही हैं, बाकी मैं इसका पूरा वर्जन भी आपको दिखा दूंगा। तो यही गाइस अपना नेक्स्ट गोल्ड वेल बंडल होने वाला, हाई चांसेस इसी के हैं। बाकी देखते हैं 23 मार्च को कौन सा बंडल डालते हैं गोल्ड वेल के अंदर। और चले गाइस अब बात कर लेते हैं अपने भुया बंडल लिटन के बारे में। आप में से बहुत बंदे गाइस एक्साइटेड है भुया बंडल लिटन को लेके, क्योंकि यार कुछ बंदे जो है ना भुया बंडल को लाइक करते हैं, बहुत बंदे कोबरा बंडल को भी लाइक करते हैं, लेकिन अब भुया बंडल का क्रेज थोड़ा बढ़ता जा रहा है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है रिटर्न के लिए। तो गाइस जल्दी अपने इंडिया सर्वर के अंदर भुया बंडल भी रिटर्न आएगा, और ये गाइस रिटर्न तभी आएगा जब अपने इंडिया सर्वर के अंदर नया ईवो बंडल आने वाला होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई गन स्किन आती है नई, तो उसके आने से पहले उसकी रेयर गन स्किन या जिसकी डिमांड होती है वो रिटर्न में डाल जाती है। तो ऐसा ही गाइस ईवो बंडल के साथ होता है। अब जब यहाँ पर नया ईवो बंडल आएगा, इसका लुक मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, फिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो 3D लुक है इसका। तो जब ये गेम के अंदर आएगा, अपने इंडिया सर्वर के अंदर आएगा, तो इसके आने से 1-2 हफ्ते पहले गाइस हमें भुया बंडल रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप बहुत बंदे कह रहे होंगे कि यार कोबरा बंडल क्यों नहीं रिटर्न आएगा, तो भाई देखो कोबरा बंडल ऑलरेडी कई बार रिटर्न आ चुका है, भुया बंडल की अब डिमांड बढ़ रही है, तो गाइस यहाँ पे जहाँ तक है भुया बंडल को ही रिटर्न में डालने वाले हैं फ्री फायर वाले। हो सकता है रैम्पेज वाले ईवो बंडल को भी डाल दें, लेकिन भुया बंडल की डिमांड ज्यादा है, तो गाइस यहाँ पे भुया बंडल ही हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड बात की जाए गाइस इनकी कंफर्म डेट वगैरह की, तो भाई देखो भुया बंडल जो आएगा वो हमें यार नए ईवो बंडल आने से 1-2 हफ्ते पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैटर करता है अपने नए ईवो बंडल का आना, तो भाई देखो नया ईवो बंडल को ये ऐसे ही नहीं डालने वाले, आपको थोड़ा वेट कराएंगे उसके लिए, अभी तो उसके लीक्स और भी निकल के आएंगी इफेक्ट इमोट वगैरह की। तो भाई देखो यहाँ पे जो नया ईवो बंडल है वो हमें मई महीने के बीच में देखने को मिलेगा। अप्रैल महीने को तो भूल जाओ, अप्रैल महीने तो भाई बहुत सारे इवेंट आइटम से भरा हुआ है। तो गाइज मई में जाके हमें जो है नया ईवो बंडल देखने को मिलेगा, और उसके आने से 1-2 हफ्ते पहले गाइज अपना भुया बंडल भी रिटर्न आ जाएगा। तो भाई देखो ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन थी, इनको बिल्कुल भी कंफर्म मत समझना, हो सकता है यहाँ पे डेट वगैरह चेंज हो जाए, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में शेयर कर दूंगा। बाकी भुया बंडल गाइज भुया सेंसर इवेंट के अंदर ही आएगा, अभी आपको थोड़ा वेट करने की जरूरत है। और चलिए गाइज बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में। तो भाई देखो अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट 22 मार्च को आएगा, जिस दिन अपना OB39 का पैच अपडेट भी आने वाला है। अब समझ लो गाइज उस टॉप अप इवेंट के अंदर हमें OB39 के आइटम्स ही देखने को मिलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने OB38 के कुछ पेंडिंग आइटम्स है वो हमें उस टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिले। अब वो आइटम गाइज आप देख सकते हो जो हाई चांस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो यार इस कटाना के स्किन के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यार ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है अपने इंडिया सर्वर के अंदर। बाकी सर्वर के अंदर तो यार ये आ चुकी है, टॉप इवेंट के अंदर भी आई थी, वेब इवेंट के अंदर भी आई थी, लेकिन अपने इंडिया सर्वर के अंदर नहीं आ पाई है। तो इसी के गाइज हाई चांसेस बनने के हमें उसी टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक आध ग्लूअल की स्किन भी हो सकती है जो कि नई होगी, या तो OB39 की हो या OB38 की हो जो पेंडिंग पड़ी हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे पेंडिंग आइटम ही गाइज हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट टॉप इवेंट में, जो कि 22 मार्च को आएगा। बाकी यहाँ पे आइटम वगैरह चेंज हो सकते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी लिस्ट निकल के आएगी वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।